हाउ टू स्टार्ट जेगरी एक्सपोर्ट बिजनेस। जेगरी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये बिजनेस में गवर्नमेंट की ओर से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आपको एक्सपोर्ट के दौरान कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या प्रोसीजर होती है, इंडिया से आप कौन से स्टेट से जेगरी ले सकते हो, टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्री जहां पे आपको जेगरी के रिलेटेड बायर मिल जाएंगे, ये सारी डिटेल हम आज के वीडियो में जानेंगे। अगर आप जेगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप गुड एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता चले कि आपको जेगरी एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप जेगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, मतलब आप गुड एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तो ये कैसे होगा। आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट से। काफी लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर हमको कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट करना है, तो ये जेगरी आपके रिलेटेड प्रोडक्ट है। जेगरी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में लग सकता है। डिपेंड है कि आप कितनी क्वांटिटी में उसको एक्सपोर्ट करते हो। सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हमने कर ली, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट क्या है अगर आप जेगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे MEIS की जो स्कीम थी, वो जो बेनिफिट देती थी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के दौरान, एक्सपोर्ट के बाद गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है एक्सपोर्ट में, तो यहाँ पे RODTEP स्कीम के अंतर्गत आपको यहाँ पे 0.5% यहाँ पे आपको ड्रॉबैक मिल सकता है। ड्यूटी ड्रॉबैक अलग चीज है, RODT स्कीम के अंतर्गत आपको 0.5% यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से FOB टर्म्स पे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जेगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर क्या रहेगी ये आप पूरा समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, वो सिंपल डॉक्यूमेंट है, सारे कॉमन डॉक्यूमेंट है, उसमें ज्यादातर आपको IEC मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा। सेकंड डॉक्यूमेंट आपका GST सर्टिफिकेट, थर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, एंड फोर्थ सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है, वो लगने वाला है RCMC फ्रॉम अपेडा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम अपेडा। ये हो गई कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात। ये डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करोगे तो आपकी यहाँ पे कंपनी बन जाएगी। अगर आप जेगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए। अभी ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आता है, तो ये प्रोसीजर में जेगरी एक्सपोर्ट के बिजनेस में पहला स्टेप है आपका यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिशमेंट। सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे आता है, वो होता है ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले है। तो ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपको अगर जेगरी एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको लगेगा उसमें इनवॉइस। इनवॉइस के बाद आपका सेकंड डॉक्यूमेंट लगेगा, वो लगेगा इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद आपका फोर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है, वो लगने वाला है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। एंड लास्ट एंड नॉट लिस्ट डॉक्यूमेंट वो है बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग आपका सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको बाद में लगेगा। अगर आप बाय सी एक्सपोर्ट करते हो तो, अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे आपका एयरवे बिल लग सकता है। इंडिया में जेगरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट है वो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनता है, महाराष्ट्र से सबसे अच्छी मात्रा में जेगरी एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आपको जेगरी का कारोबार करना है तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां से आप अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में सस्ते रेट में आप जेगरी वहां से खरीद के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जेगरी का बिजनेस यहाँ पे दो तरह से आप कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब मैन्युफैक्चरर से माल लेके फिर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करिए। एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, एज ए ट्रेडर भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है तो भी। अभी यहाँ पे आपको बायर कहां से मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं टॉप 10 कंट्री ऐसे बताऊंगा जहां पे आपको पोटेंशियल बायर मिलेंगे, जहां पे इंडिया ऑलरेडी जेगरी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है एज पर द इंटरनेट सोर्स। यहाँ पे सबसे पहला जो कंट्री है वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जेगरी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो भी अच्छी मात्रा में। सेकंड यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है जहां पे आपको बायर मिलेगा वो डेस्टिनेशन है इंडोनेशिया, थर्ड है चाइना, फोर्थ यहाँ पे है जर्मनी, फिफ्थ है यहाँ पे UK, सिक्स्थ है कनाडा, सेवन्थ है यहाँ पे कोरिया,
8 है नीदरलैंड, 9 मेक्सिको एंड 10 फ्रांस। ये 10 ऐसे कंट्री है जहां पे आपको आप अगर मेहनत करते हो तो यहां पे आपको जेगरी के रिलेटेड पोटेंशियल कस्टमर मिल जाएंगे। अभी इसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट बात कर दी है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको लग सकता है। ज्यादातर जेगरी 20 फीट ड्राई कंटेनर में एक्सपोर्ट होता है, ये आप समझ लीजिए। बाय सी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो 20 फीट कंटेनर में आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। जेगरी का हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। जेगरी इंडिया से क्यों एक्सपोर्ट होता है उसका भी एक रीजन है कि बाहर की कंट्री में लोगों को अभी पता है हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, अभी आज के दिन ज्यादा आगे आ रहे हैं, सब लोगों को पता है कि शुगर का कंजप्शन करने से अच्छा है कि जेगरी का कंजप्शन किया जाए खाने में, जिससे शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती हेल्थ में। तो यहाँ पे एक नहीं पर अनेक सारे जेगरी के बेनिफिट है, हेल्थ वाइज भी बेनिफिट है, इसीलिए लोग बाहर की कंट्री में जेगरी का कंजप्शन करते हैं और इंडिया से इसका अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर आप जेगरी का कारोबार करना चाहते हो तो जेगरी का कारोबार काफी अच्छा है, काफी बेनिफिशियल है। आप वेरी सिंपल वे में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे पूरा बिजनेस प्लान मैं समझा चुका हूं कि आप अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरर से लेके एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। कंपनी रजिस्टर्ड करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी मैंने आपको आगे बता दिया। सेकंड यहाँ पे स्टेप है, अगर आपको कोई बायर मिलता है तो ऐसे ये 10 कंट्री आपको मैंने बताए हैं, अगर आपको बायर फाइंड करने हैं तो ये 10 कंट्री में आप मेहनत करिए, ये 10 कंट्री में से आपको बायर मिल जाएगा। बायर मिलने के बाद ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो उसमें इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट एंड बिल ऑफ लेडिंग, इसकी बात भी हमने कर दी। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे 0.5% RODTEP स्कीम के अंतर्गत आपको FOB टर्म्स पे बेनिफिट भी मिल सकता है। तो जेगरी का बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस है अगर आप करना चाहते हो तो। काफी यहाँ पे लोग हैं इंडिया से जो एग्री ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री में। आपको बायर कैसे मिलेगा इसके रिलेटेड भी हमारी YouTube चैनल पे एक वीडियो है, जरूर देखिए, जहां पे हमने 1 से लेके 10 रास्ते बताए हैं बायर फाइंडिंग के ऊपर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, हमारा बेसिक लेवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोग्राम के पार्ट 2 में हमने वहां पे बताया है 1 से लेके 10 रास्ते बताए हैं आपको कि आपको बायर फॉरेन कंट्री में कैसे फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट पूरा बिजनेस प्लान समझा चुका हूं। अगर आप जेगरी का कारोबार करना चाहते हो तो जेगरी दो फॉर्म में यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, पाउडर फॉर्म में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसका पूरा भीला होता है, मतलब एक आप समझ लीजिए पूरा उसका पैकिंग होता है, हमारे गुजरात में उसको भीला बोलते हैं। तो आप पूरे एक गट में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो वेरियस टाइप ऑफ पैकिंग में यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है जेगरी इंडिया से। तो आज की वीडियो में हमने पूरी डिटेल आपको बता दी है। आई होप सो कि आप सभी को पता चल गया होगा अगर आप जेगरी का कारोबार करना चाहते हो क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रोसीजर है, क्या लीगल टर्म्स है, ये सारी चीजें आप फॉलो करके इंडिया से जेगरी का कारोबार कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो आज का ये हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में नए नॉलेज और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।